हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू SKL चैनल। तो बहुत से लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि शहबाज भाई, एक्सेस में स्पीड लिमिट कैसे सेट करते हैं, मतलब जो आपके ब्लूटूथ एडिशन वाली एक्सेस है उसमें आपको स्पीड लिमिट वाला भी एक ऑप्शन दे देते हैं। तो चलिए आज आपकी वीडियो में बताते हैं कैसे आप उसको सेट कर सकते हैं, और काफ़ी ईजी है इसको लगाना। और अभी तक आपने जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे फ़ोन पेयर हो गया है, वेलकम शाज की लाइफ लिख के आ चुका है हमारे स्पीडो कंसोल पे। तो हमारा देख सकते हैं हमारा फ़ोन कनेक्ट है। अगर आपके पास ये ऐप नहीं है तो ये ऐप सुजुकी राइड कनेक्ट ऐप डाउनलोड कर लें, और ये सिर्फ एंड्रॉयड ही पर चलती है, जिससे कि मैं इससे बहुत डिसअपॉइंट हूँ, क्योंकि मेरा पर्सनल फ़ोन है जो आईफोन है उस पर ये बिल्कुल नहीं चलती, मतलब उस ऐप स्टोर पे ये ऐप है ही नहीं। तो सुजुकी वालों से मैं कह के थक चुका हूँ, पर अभी तक उन्होंने कोई भी अपडेट नहीं दी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये साइन जो दे इन्होंने ऐड पे दिखाया था कि स्पीड लिमिट जब आप सेट कर देंगे तो आपके दो ब्लिंक होंगे। तो चलें इसको ट्राई करके देखते हैं कि कैसे स्पीड लिमिट हमारी मतलब शो होती है। तो सुजुकी वालों से मैं यही कहना चाहूँगा, TVS हो गया, हीरो हो गया, रॉयल एनफील्ड हो गया, सबकी ऐप जो है दोनों फ़ोन में चलती है, iOS में भी और एंड्रॉयड में भी, पर ये लोग पता नहीं अभी तक क्या कर रहे हैं। तो स्पीड वार्निंग सेट करने के लिए आपको यहाँ पे सेटिंग में आके स्पीड वार्निंग आप देख सकते हैं यहाँ पे आप कितनी स्पीड पर आपको चाहिए, ये आप उस हिसाब से सेट कर सकते हैं, मतलब आपको तेज़ स्पीड में चलाना जैसे कि आपकी फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी हो जाए, मतलब माइलेज आपकी गाड़ी अच्छा दे, तो उसके हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। और चलें अब इसको मैंने सेट कर दिया, गाड़ी को स्टार्ट करके देखते हैं डबल साइड स्टैंड पे, क्योंकि इसका रियल व्यू में ही सेंसर है, मतलब स्पीड का कितनी स्पीड पे आप चला रहे हैं, तो रोड पे चलाने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलें स्कूटर को स्टार्ट करके अपने, और आप देख सकते हैं स्कूटर हमारा स्टार्ट हो गया। तो इसको 40 के ऊपर ले जा के देखते हैं क्या आता है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर आ गया है स्पीड एक्सीडिंग, मतलब स्पीड के ऊपर जा रहे जो आपने सेट की है। तो बस इसी तरह का आपको साइन दिखाई देगा आपके मीटर कंट्रोल पे, और कोई भी लाइट आपकी ब्लिंक नहीं होती, अगर ब्लिंक होती तो ज़्यादा अच्छा लगता, मतलब थोड़ी आपको वार्निंग दिखती जिससे कि आप गाड़ी स्लो डाउन कर सकते थे। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही बस दिखाना था आपको, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि अगली वीडियो आपको कौन सी चाहिए। फिर मिलेंगे, जब तक बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।